लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार 3.0 शपथ लेने को तैयार है, मगर मोदी सरकार 3.0 की राह ऐसा नहीं है। अभी से ही एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू है। मोदी सरकार 3.0 में तरजीह पाने को लेकर एनडीए के घटक दल दबाव बनाने लगे। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने भी डिमांड रखना शुरू कर दी है। जेडीयू और टीडीपी की नजर खासकर उन मंत्रालयों पर है जिसे भाजपा देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। दरअसल आज यानी 7 जून को एनडीए की बैठक हो रही है। किसी दल को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा आज इस पर खूब मंथन होगा। हालांकि मंत्रालय के बंटवारे पर इस बार भाजपा की उतनी नहीं चलेगी, क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में सहयोगी दल दबाव बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की नजर टॉप मंत्रालयों पर है। इन दोनों दलों ने तो भाजपा के सामने मांग भी रखती है। सूत्रों की माने तो जेडीयू और टीडीपी की नजर मोदी सरकार के टॉप 10 मंत्रालयों पर है। जेडीयू और टीडीपी दोनों चाहते हैं कि उन्हें गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, राजमार्ग, वाणिज्य, रेलवे, कृषि, पेट्रोलियम आदि वाले मंत्रालय में। हालांकि भाजपा टॉप 5 मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं, मगर इन दोनों दलों का मानना है कि पहले की गठबंधन सरकारों में भी ऐसे अहम मंत्रालय मसलन गृह, रक्षा और वित्त सहयोगी दलों के पास रहे हैं। वहीं जेडीएस भी मोदी सरकार 3.0 में कृषि और हेल्थ पर नजर रख रही है। एनडीए ने मंत्रालयों की प्रेशर पॉलिटिक्स को देखते हुए भाजपा भी शत रख रही है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की मांग भाजपा मान सकती है, मगर उसके लिए उसने कुछ बड़ी शर्तें रखी हैं। भाजपा का मानना है कि अगर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी लेंगे, तभी भाजपा टॉप मंत्रालय जेडीयू और टीडीपी को देगी। हालांकि इसके लिए नीतीश को मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा और चंद्रबाबू नायडू को सीएम पद की शपथ नहीं लेनी होगी। बताया जा रहा है कि भाजपा जेडीयू और टीडीपी के अन्य सांसदों के लिए टॉप मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है। सीसीएम के 4 मंत्रालय रक्षा, वित्त, गृह और विदेश में सहयोगी को जगह मिलने के आसार नहीं है। मोदी सरकार 2.0 में रेलवे, सड़क परिवहन आदि में बड़े सुधार किए गए और बीजेपी इन्हें सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहती। हालांकि गठबंधन के खेल में अब भाजपा के सहयोगियों की कुछ मांगे माननी पड़ेंगी, ये उनकी मजबूरी है। मोदी 1.0 और 2.0 में सहयोगियों की संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल संकेतक नुमाइंदगी दी, मगर इस बार जेडीयू और टीडीपी आसानी से नहीं मानेगी। संभव है कि कुछ शर्तों पर बीजेपी को समझौता करना पड़ सकता है। टीडीपी ने तो 6 मंत्रालयों की मांग कर ली है, और अगर माना जाए तो नीतीश कुमार भी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांग सकते हैं।